मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अंतिम और मॉनसून सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। पिछली बार निलंबन के बाद विधानसभा की कार्रवाई में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे। विधानसभा के बाहर मीडिया से कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे बिना गलती की सजा पिछली बार दी थी, मुझे निलंबित कर दिया था। आशा करता हूँ अब वो अपने धर्म का निर्वहन करेंगे, सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे और डिक्टेटर से बीजेपी के प्रभाव में आप राजधर्म को नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, सरकार बहनों की सुरक्षा में असफल रही है, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उससे MP शर्मसार है। पहले तो मैं आज सबका धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो मुझे बिना गलती की सजा उन्होंने पिछली बार दी थी और निलंबित कर दिया था। आशा करता हूँ कि अब वो अपने धर्म का निर्वहन करेंगे और सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे और डिक्टेटरशिप बीजेपी के प्रभाव में अपने राजधर्म को, विधानसभा अध्यक्ष अपने राजधर्म को नहीं भूलेंगे, मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ जिस तरीके का मध्य प्रदेश का व्यवहार बना, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार में नंबर वन मेरा प्रदेश, आदिवासियों बहनों के साथ सबसे नंबर वन प्रदेश तो मेरा मध्य प्रदेश, अपहरण में आदिवासी बहनों पर सबसे ज्यादा कोई घटनाएं होती है तो मेरे प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा लाडली बहनों की असुरक्षा में असफल रहे तो वो मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश। आज आदिवासियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश शर्मसार है। वो चाहे सीधी की घटना हो, सिंगरौली की हो, चाहे सिवनी की हो, चाहे विदिशा की हो, चाहे मंदसौर की हो, मॉब लिंचिंग, आदिवासियों पर अपराध में हम नंबर वन है, तो मैं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, शिवराज सिंह का असली चेहरा प्रदेश देख रहा है। लाडली लक्ष्मी में एक हजार रुपया देंगे और महीने के 10,000 रुपये उसी गरीब परिवार से लेंगे, गैस की टंकी के नाम पे, राशन की महंगाई के नाम पे, पेट्रोल डीजल की महंगाई के नाम पे, दवाई और इलाज की महंगाई के नाम पे 10,000 रुपया महीना लेंगे और 1,000 रुपये में भ्रमित करेंगे, लाडली बहना योजना। इंदौर के राव विधानसभा के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कई महत्वपूर्ण सवाल दागकर मुख्यमंत्री सहित उनकी पूरी सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया है। एक मामला मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले और पात्रता से ज्यादा राशि बांटने के आरोप लगाए गए हैं। 3 साल में ही 413 करोड़ रुपए की बड़ी राशि इस मद में खर्च करना बताई गई है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 लाख रुपये तक ही मदद का प्रावधान है, मगर औसतन प्रकरण 5.8 लाख रुपए तक मंजूर कर डाले और इसकी लिखित जानकारी विधानसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में दी गई है। चिकित्सा, दुर्घटना व शहीद सहित अन्य प्रकरणों में उक्त सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। वहीं लाडली बहना, शराब के ठेकों में हुई राजस्व की हानि सहित ऐसे कई अन्य सवाल पटवारी ने पूछे हैं। कई सवालों के तो गोलमोल जवाब दिए गए तो कई के जवाब तैयार किए जाना बताया गया है।